दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा त्यागराज स्टेडियम में एक 3 दिवसीय बाल विज्ञान समागम का शुभारंभ हुआ। इस समागम में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के चारों क्षेत्र की भागीदारी है। इससे पूर्व में यह विज्ञान मेले के रूप में प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग लगता रहा है। एक नई पहल व नई सोच के साथ इस मेले को शिक्षा समिति की अध्यक्षा डॉक्टर नंदिनी शर्मा के मार्गदर्शन व विज्ञान प्रसार तकनीकी विभाग के सानिध्य में समागम का रूप दिया गया। नजफगढ़, पश्चिमी, साउथ व मध्य सभी क्षेत्रों के बच्चे अपने शिक्षकों के साथ यहाँ स्वविकसित मॉडल व प्रोजेक्ट लाए हैं, जिनकी प्रदर्शनी 3 दिन चलेगी। शुभारंभ माननीय महापौर श्रीमती सुनीता कांगड़ा, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन कर व रिबन काट कर सरस्वती वंदना के साथ हुआ। शिक्षा समिति अध्यक्षा डॉक्टर नंदिनी शर्मा, शिक्षा समिति सदस्य यशपाल आर्य, वीरेंद्र धीरेन्द्र उपाध्याय, एडिशनल आयुक्त शिक्षा राहुल गर्ग, डायरेक्टर शिक्षा श्रीमती आरती शर्मा, शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी, विपनेट के पदाधिकारी मंच पर इस अवसर पर उपस्थित रहे। डायरेक्टर श्रीमती आरती शर्मा ने अपने सार गर्भित शब्द पुष्पों द्वारा मंच पर गरिमा मई उपस्थिति का स्वागत किया व बच्चों को संबोधित किया। पश्चिमी क्षेत्र व नजफगढ़ क्षेत्र के बच्चों द्वारा इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों को पसंद आई। रजापुर खुर्द नंबर 2 पश्चिम क्षेत्र विद्यालय के बच्चों का लोक नृत्य आकर्षण का बिंदु केंद्र बना रहा। शिक्षा समिति अध्यक्षा ने अपने संबोधन भाषण में बच्चों को विज्ञान के नज़दीक जाने व भ्रम से दूर जाने के लिए प्रेरित किया और बताया कि विपनेट क्लबों के माध्यम से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है। महापौर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में शिक्षा विभाग की उपलब्धियों पर बधाई दी। बच्चों के साथ रूबरू होकर विज्ञान के प्रति उन्हें जागरूक किया और कहा कि बच्चों के अंदर विविध प्रतिभाएं छिपी हैं, कौशल निहित है जिसे एक शिक्षक पहचान सकता है, इसलिए शिक्षक को खास होना चाहिए। और आज के कार्यक्रम की सफलता का परिचायक रही। इस अवसर पर अतिथियों को शाल, प्रतीक चिन्ह व पौधों द्वारा भी सम्मानित किया गया। राहुल गर्ग जी, अतिरिक्त आयुक्त दक्षिण दिल्ली नगर निगम शिक्षा, ने अतिथियों का धन्यवाद किया बच्चों को संबोधित करते हुए और बाल विज्ञान प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए अतिथियों को आमंत्रित किया। इस 3 दिवसीय बाल विज्ञान समागम का समापन समारोह 20 दिसंबर को होगा। कार्यक्रम का संचालन पश्चिमी क्षेत्र की अध्यापिका नीतू पांचाल ने किया। कार्यक्रम का दायित्व DDE मुख्यालय श्रीमती पुष्पा ने बखूबी संभाला। कुतुब मेल के लिए दिल्ली से हर्ष जमाल की रिपोर्ट। नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।